आगे करते हैं। कुछ आपको ये भी बताया था कि कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ के आना। तो पढ़ा सबने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, तो खासकर आपको बताया था कि किस तरह से यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना आप। तो आपको बताया था एक तो हमारे पास प्लस वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते हैं नॉर्मली, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये तीन ऑपरेटर तो नॉर्मली हैं। चलो इसमें तो कोई वो नहीं है, जैसे बाकी लैंग्वेज में सब जगह यूज करते हैं उसी तरह से होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इनटू इनटू यानी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है इसके बारे में, जो हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन है और मॉडुलस ऑपरेटर है रिमाइंडर के लिए, ये चार ऑपरेटर और अरिथमेटिक के हैं हमारे पास। इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे अगले क्वेश्चंस में, ये ऑपरेटर से रिलेटेड ही अगला हमारे पास चैप्टर आएगा, ऑपरेटर होंगे उसके अंदर और एंड और लॉजिकल वगैरह ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। तो थोड़ा सा पहले इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में तो कोई ऐसा बताने की जरूरत है नहीं। नॉर्मली ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, अर्थमेटिक में भी अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रीसीडेंस देखी जाए तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वाले ऑपरेटर की ही होती है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पावर का काम करता है, जैसे मान लिया हमने लिखा एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर वाई, यानी अगर टू एक्सपोनेंशियल थ्री कर दिया तो मतलब टू की पावर थ्री ये हमारे पास एट कर देगा, यहाँ पर इस तरीके से होता है। कल आपको ये भी बताया था अगर हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट की कोई भी अगर वैल्यू ले लेते हैं तो वो ऑपरेटर भी हमारे पास किस तरह के रिजल्ट देगा, फ्लोटिंग पॉइंट के। सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं हमारे पास फ्लोटिंग, इनको हम समझते हैं किस तरह से काम करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में भी बेसिकली हमें यही समझना कि फ्लोटिंग पॉइंट के साथ कैसे काम करेंगे ये वाले भी। ऐसे ही डिवीजन वाला ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में ही रिजल्ट देता है, चाहे हम नंबर में भी यूज करें चीजों को तब भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में ही रिजल्ट देता है। जैसे मान लिया हमने 5 को डिवाइड करा 2 से तो क्या रिजल्ट देगा, 2.5 रिजल्ट देगा, और अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो भी हमारे पास 2.0 रिजल्ट ये देगा, ठीक है। तो बस इनमें समझने की यही वाली बात है कि फ्लोट के साथ ये कैसे काम करते हैं और कौन सा हमारे पास कब फ्लोट में काम करता है। फ्लो डिवीजन और डिवीजन में ध्यान रखना कि डिवीजन वाला अगर हम नॉर्मल इंटीजर वैल्यू भी ले रहे हैं तब भी हमारे आपकी आवाज थोड़ी कम है, चुप आवाज सर, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। अच्छा आवाज कम आ रही है, ये आज सर ये तो सही आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है सर, उसको वहीं रख दो, आवाज तो क्लियर है। चलो बेटा देख लो थोड़ी सी, क्लियर तो है बट थोड़ी सी लो स्पीड, मुझे इसलिए बोला। तो हमारे पास साउंड में ज्यादा हुआ है, 4 अपॉन 2 करा तो हमारे पास तब भी 2.0 आ रहा, 5 अपॉन 2 करा 2.5, मतलब ये डिवीजन वाला ऑपरेटर हमारे पास रिजल्ट किस में दे रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में ही दे रहा है। जबकि फ्लोर डिवीजन जो होता है हमारे पास, जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं, अगर मान लिया हमने 5 को फ्लोर डिवीजन किया 2 से, तो फ्लोर डिवीजन केवल कोसेंट बताता है, कोसेंट में इंटीग्रल पार्ट वाले का ही बताएगा ये, ठीक है। जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला आएगा वो नहीं बताएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2.5 होना था, जैसे यहाँ पर 2.5 है तो 0.5 वाला इसने नहीं लिया, केवल यहाँ पे 2 दे दिया है। इसी तरह से अगर हम 4 को फ्लोर डिवीजन करेंगे 2 से तो इसका रिजल्ट भी 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 को हमने किया तो भी हमारे पास फ्लोर डिवीजन 2 से किया तो 2 आया कोसेंट, यानी इस वाले में देखा हमने जो पॉइंट के बाद वाली चीजें हैं वो हमारे पास इसमें नहीं आई है। अब लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन में भी मैं यहाँ पे 4 को 4.0 कर देता हूँ और अपॉन 2 कर देता हूँ, यानी 4 और 2 में से कोई भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में कर दी, तो रिजल्ट अब भी हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, यानी 2.0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर है हमारे पास 5.0 कर दिया और इसको फ्लोर डिवीजन किया, ये फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन कर दिया 2 से तो रिजल्ट अब हमारे पास 2.0 आ जाएगा, 2.5 नहीं आएगा 2.0 आएगा, मतलब लेगा इंटीग्रल वाला पार्ट ही
बाद वाला फ्लोटिंग पॉइंट वाला पार्ट नहीं लेगा, लेकिन वैल्यू क्योंकि फ्लोट में थी हमारे पास, तो रिजल्ट जो है फ्लोट में आएगा वो जीरो कर दिया जाएगा, एक डिजिट तक देगा हमारे पास। ठीक है, चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, कोई से को भी करो। अब आप एक बात बताइए, अगर हम मान लिया यहाँ पे लिखते हैं 6.5 लिखते हैं और उसको फ्लोर डिविजन करते हैं 2 से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 3.0 यानी पॉइंट के बाद की जो चीजें होंगी वो नहीं आएंगी। ठीक है, चाहे हमारे पास यहाँ पे भाई इसको करने पर 3.25 आ रहा, तो 0.25 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करेगा। अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें करके कि किस तरह से ये प्रैक्टिकली काम करता है। जैसे हमारे पास ये आइडियल है और इस पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की। अभी हमने जैसे बताया सबसे पहले कि हम यूज करते हैं को उसका एक्सपोनेंशियल का, 2 एक्सपोनेंशियल 3 किया तो हमारे पास 8 रिजल्ट आ गया, 3 एक्सपोनेंशियल 2 कर दिया हम, 2 कर दिया हमने तो हमारे पास रिजल्ट 9 आ गया, पावर में कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे देखा था कि 5 को हमने डिवीजन किया 2 से तो 2.5 आ गया, और 4 को डिवीजन किया 2 से तो 2.0 आ गया। ये हमेशा पॉइंट में ही रिजल्ट देता है। इनमें अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट आ गया हमारे पास, तब भी यहाँ पे 6.5 को डिवाइड करें 2 से तो 3.25 आ गया, ये तो फ्लोट में देना ही है इसको। ठीक है, अब जो हमारे पास था कि हमने 5 से फ्लोर डिवीजन किया था 2 को तो हमारे पास 2 ही आ रहा था, 4 को फ्लोर डिवीजन किया था 2 से तो भी 2 आ रहा था, 5.0 को फ्लोर डिवीजन 2 से किया था 2.0, 4.0 को फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे तो 2.0 ही आएगा, ऐसे ही 6.5 को फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे तो हमारे पास 3.0 आएगा। ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई, क्योंकि कंफ्यूजन पेपर में यही करवाएगा वो कि रिजल्ट आपको फ्लोट में कब आएगा, कब हमारे पास इंटीजर में आएगा, यही समझना, इसमें बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझना बस फ्लोट को और इंटीजर को देखना है, कब हमारे पास फ्लोट में आएगा कब इंटीजर में आएगा। ये वाला ऑपरेटर भी मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेटर के बारे में भी अगर हम बात करें तो इसमें समझने वाली क्या चीज है कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर किस किस तरह के टाइप के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मुझको मल्टीप्लाई करनी है 3 और 2 की, तो कितना आएगा इसका आंसर? 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ न्यूमेरिक और दूसरी वाली वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पर, क्या हो गया भाई प्रियंका, तुम्हारा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एक वैल्यू हम रखते हैं इंटीजर और दूसरी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की, जैसे ए लिख दिया मैंने, तो अब ये क्या करेगा, ए को 3 बार प्रिंट कर देगा। यानी मल्टीप्लीकेशन जो है स्ट्रिंग के साथ भी की जा सकती है, एक स्ट्रिंग और एक हमारे पास क्या है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया था स्ट्रिंग में केवल ए, अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर लेते हैं जैसे राम लिखते हैं तो राम हमारे पास 3 बार लिखा आ जाएगा, राम राम राम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने पहले स्ट्रिंग लिख दी और फिर हमारे पास नंबर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ए इंटू बी, बी इंटू ए कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई हो सकती है, इंटीजर की स्ट्रिंग में भी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब अगर मान लिया मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 35 × 3.5 × 3.5, ठीक है, तो 35 × 35 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1225 होता है, यानी 12.25 हमारे पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, 12.25 हमारे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर 3.5 की मल्टीप्लाई में ए के साथ करता हूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब, यानी फ्लोट के साथ स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई नहीं होगी, स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई केवल इंटीजर वैल्यू के साथ ही होगी। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, स्ट्रिंग अगर मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं ये वाला ऑपरेटर, तो इंटीजर इंटीजर कर सकता है, फ्लोट फ्लोट कर सकता है, इंटीजर फ्लोट कर सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग कर सकता है, स्ट्रिंग इंटीजर कर सकता है, लेकिन फ्लोट और स्ट्रिंग की मल्टीप्लीकेशन नहीं होंगी।
ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें समझने की बात है। अब अगर प्लस वाले में क्या समझने, प्लस तो नॉर्मली है, लेकिन प्लस ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते, यानी एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है जैसे, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। लेकिन अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही है, तो हम यूज कर सकते हैं कॉनकैटेनेट। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर कॉनकैटेनेट नहीं होंगे, फ्लोट और स्ट्रिंग कॉनकैटेनेट नहीं होंगे, लेकिन फ्लोट फ्लोट, इंटीजर इंटीजर या स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लिया मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, दो स्ट्रिंग लेगी तो वो नहीं होगी। मल्टीप्लीकेशन के लिए एक चीज इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है, तब यहाँ पे हमारे पास होगा, स्ट्रिंग की इंटीजर में होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस क्या हमारे पास स्ट्रिंग के साथ हो जाएगा, स्ट्रिंग के साथ जैसे कॉनकेटेनेट प्लस हो जा रहा है, लेकिन माइनस करते हैं, माइनस नहीं करेगा, ठीक है, माइनस नहीं करेगा, माइनस केवल नंबर्स के साथ काम करता है, वो स्ट्रिंग उसमें यूज नहीं होगी। तो हमें बेसिकली समझनी ये चीजें हैं, नॉर्मल तो सबको ही आती है क्या होती है। अब ये ऑपरेटर के बारे में आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा हमारे पास तो ये समझते हैं हम किस तरह से हमारे पास काम करता है ऑपरेटर मोडलस वाला, ठीक है, इसको मोडलू ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर हम बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, बेसिकली ये रिमाइंडर बताता है, लेकिन रिमाइंडर भी हमारे पास अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो हमें समझना, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, सब तरह से। जैसे मान लिया हमारे पास कोई नंबर है 22 और रिमाइंडर करना हमें 5 से, ठीक है, तो रिमाइंडर हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास एक नंबर है 22, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा क्या बचा, 2, ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रिंग बड़ी कर लें, वो ये बता दिया करो, याद दिला दिया करो, तो ये है हमारे पास 22 को हम रिमाइंडर कर रहे हैं 5 से, तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, कोसेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 कोसेंट है हमारे पास, और रिमाइंडर जो है इसमें 2 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस के 22 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो क्या होगा, या 22 को डिवाइड करता हूँ माइनस के 5 से तो रिमाइंडर क्या होगा, या हमारे पास माइनस के 22 है उसको माइनस के 5 से करते हैं तो क्या होगा, और अगर कोई वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में होगी तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पे इसमें समझना है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए यहाँ पे नंबर लाइन जैसे पढ़ते हैं बच्चे सेकंड क्लास में, उसी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे पास 22 है और ये 5 है, यानी 5 की हमें टेबल पढ़नी, तब तक जब तक 22 ना आ जाए या उससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल उसका देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन में सेंटर में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड में आप लिख देंगे 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ उसकी टेबल हमें पढ़नी है। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा, 5 की टेबल हमें करनी जब तक 22 ना जाए, 22 यहाँ पर है, ठीक है, 20 और 25 के बीच में। अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो हमारे पास कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर 0 ही आना है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है तो, ठीक है, पूरा अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो ही रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, रिमाइंडर का मतलब है जो एग्जैक्ट मल्टीपल है उसका नंबर का, उसका कितना डिफरेंस आ रहा है उससे, ठीक है, एग्जैक्ट मल्टीपल से। तो एक डिफरेंस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है 2 का, और इस वाले मल्टीपल से देखेंगे तो हमारे पास 3 का डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस है हमारे पास 2 का है और ये 3 का, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है हमारे पास, ठीक है, यानी 22 में 3 ऐड करके 25 आएगा, 22 में 2 माइनस करने के बाद, या 20 में 2 ऐड करने के बाद 22 होएगा, तो ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर, ये नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू 22 पॉजिटिव में दी हुई है तो पॉजिटिव वाला ही रिमाइंडर हम यूज करेंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, इधर वाला हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के केस में हम लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव हमारे पास 2 आ गया, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है।
ऐसे ही अगर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, ये 22 माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव है हमारे पास यहाँ पर, तो नेगेटिव वाला रिमाइंडर लेना, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ये नहीं कि एग्जैक्ट वही होता है जैसे नॉर्मल मैथ्स में कर लेते हैं, तो वो नहीं, यहाँ पे दोनों तरह के देखने, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में हमारे पास अगर ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला। नीचे वाली वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, टेबल बता रही किस चीज का टेबल आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर 5 का टेबल पढ़ रहे थे, नीचे -5 है तो -5 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उससे अगर देखें तो लेफ्ट साइड में है, ये वाला हमारे पास राइट साइड में है नेगेटिव रिमाइंडर। अब माइनस वाला टेबल लगा लेते हैं यहाँ पे, -5 -10 -15 -20 और -25। -22 इधर बैठेगा यहाँ पर, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इधर है, यहाँ पर 3 का गैप है। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर होता है वो किधर की साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। नेगेटिव रिमाइंडर किधर की साइड होता है, राइट साइड होता है नंबर लाइन के। तो लेफ्ट साइड हमारे पास ये पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, और इधर जो है ये नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव वाला किधर होता है, राइट साइड में होता है नंबर लाइन के, और ये पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पॉजिटिव है 22, तो पॉजिटिव है तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी, और ये वाला हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हमें ये देखना कि साइन किसका आएगा, तो साइन किस चीज का आएगा हमारे पास, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है भाई, ये तो 2-3 यहाँ भी आ रहे, 3-2 यहाँ भी आ रहे, तो अब हमें वैल्यू में ये भी देखना कि रिजल्ट में हमारे पास रिमाइंडर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो साइन किसका आता है बताओ, रिमाइंडर बताना होता है जिसकी आप टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी आप टेबल पढ़ रहे हैं, क्या जिसकी टेबल लेते हैं वो माइनस की तरफ है तो माइनस का आएगा। अगर ये हमारे पास टेबल हम माइनस के 5 की पढ़ रहे तो ये वाला हो जाएगा, प्लस की पढ़ रहे तो प्लस वाला साइन हो जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर साइन लगाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हम इसको करते हैं, इस तरह से समझते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिकली हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हमने कि 22 और मोडलस लगा दिया 5 पे, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया है। ऐसे ही 20 माइनस के 22 लिखा हमने और मोडलस लगा दिया 5 का, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हमने 22 को डिवाइड करा माइनस के 5 से, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस के 3 आ गया। ऐसे ही माइनस के 22 को मोडलस किया माइनस के 5 से, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे आप करोगे तो आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो पूरे का पूरा, ये बिल्कुल आसान तरीका, कोई वो नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह से। अगर इसका एक वो देखें हम, स्टैंडर्ड समझें किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, तो स्टैंडर्ड को समझने के लिए आप इनको समझ लो। जैसे 22 को हमने मान लिया ए है और 5 को मान लिया बी है, तो ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो साइन हमेशा किसका आता है रिजल्ट में, ए का आता है या बी का आता है, बी का साइन होगा हमारे पास, साइन ऑफ बी, जो भी बी का साइन होगा वही हमारे पास होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब रिमाइंडर हमें यहाँ पे देखना कि पॉजिटिव लेफ्ट साइड का डिफरेंस देखना है या राइट साइड का, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का देखना, ए नेगेटिव है तो राइट साइड का देखना। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का हमें लेफ्ट साइड डिफरेंस या रिमाइंडर हमें देखना है कब, लेफ्ट साइड का रिमाइंडर इफ ए इज पॉजिटिव। ठीक है, और राइट साइड का रिमाइंडर कब देखना है हमें, राइट साइड रिमाइंडर कब देखना, अगर ए क्या है, नेगेटिव है। बस ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। मोडलस अगर हमें निकालना है किस तरह से होगा, साइन हमेशा बी का होगा
और डिफरेंस यानी रिमाइंडर का डिफरेंस जो भी देख रहे हैं लेफ्ट साइड का तब देखना, अगर ए पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है तो राइट साइड का देखना, ठीक है। टेबल भी हम उसी तरीके से बनाएंगे किस तरह से हमें यहाँ पे लेनी है, तो ये हमारे पास मोडलेस ऑपरेटर होता है। एक चीज आपको और बताई थी कि भाई हमारे पास अगर वो देखते हैं हम पाइथन, पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, तो हम बात करते हैं पाइथन के अगर फीचर्स की बात करें तो हम लिखते हैं कि पाइथन भाई एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन हमारे पास डायनेमिकली प्रोग्रामिंग है, ठीक है, या डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है और स्ट्रॉन्गली टाइप भी है, ठीक है। पाइथन में हम जो है यूज करते हैं स्क्रिप्ट बेस्ड भी काम करते हैं, स्क्रिप्ट में काम करते हैं, तो इसमें हमारे पास इंटरप्रेटर यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें इंटरप्रेटर यूज करता है, लेकिन कंपाइलर भी आपको बताया था कि हिडन वर्क में कंपाइलर भी काम करता है, ठीक है, लेकिन वो हिडन रहता है, तो हम इसको केवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें जो हमारे पास काम करता है कंपाइलर वो कैसे करता है, हिडन रह के बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, क्योंकि हम पाइथन को ज्यादातर यूज करते हैं तो आईडीई के थ्रू यूज कर लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता किस तरह से काम हो रहा, क्या उसके ऑब्जेक्ट कोड बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कैसे वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको कमांड लाइन पर चला के देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि किस तरह से कंपाइलर काम करता है, क्योंकि आप अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें पाइथन के जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि एक इम्प्लीमेंटेशन होता है सी पाइथन, यानी सी पाइथन, और एक होता है जे पाइथन, ये ज्यादातर यूज होने वाले हैं और सबसे ज्यादा यूज होता है सी पाइथन, और हम नॉर्मली जो यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन वो सी पाइथन है, यानी पाइथन को भी किस लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया, इम्प्लीमेंट किया गया, सी लैंग्वेज के थ्रू किया गया, सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता ही है। तो यहाँ पे अगर हम किस तरह से यूज करेंगे, अगर हमें पाइथन जो है आईडीई के थ्रू नहीं चलाना, कोई भी हमें ना जुपिटर यूज करना, ना आइडियल यूज करना, ना कोई और विजुअल जो स्टूडियो है, स्टूडियो कोड वगैरह वो कुछ यूज नहीं करना है, आप नॉर्मल जैसे नोट पैड पे करते हैं, आपने जावा की कोडिंग करी होगी, नोट पैड में सीखी होगी, उस तरह से अगर हम करते हैं तो हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये फोल्डर बना हुआ है बीपीएससी का हमारा, इसी में ले लेते हैं हम, यहाँ एक नोट पैड लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं। पाइथन में अगर हमें कुछ चीजें प्रिंट करानी होती हैं तो प्रिंट हम कैसे कराते हैं पाइथन के अंदर चीजों को बताओ भाई, प्रिंट करानी अगर हमें कोई चीजें तो प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन में जैसे मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसको सेव कर देते हैं और नॉर्मल जैसे कोड लिखते हैं उसी तरह से, जो भी कोड लिखना आपको, एक लाइन का लिखना, दो लाइन का, जितना भी पूरा प्रोग्राम भी बनाना तो आप बना सकते हैं। इसमें हमने इसका नाम लिख दिया जैसे पाइथन में a1.py, ऐसे py से हम सेव करते हैं कोड को, तो हमारे पास ये एक फाइल बन गई पाइथन की जिसका नाम है a1, ठीक है, .py। देखो इस कोड को हमें क्या कराना है, कंपाइल कराना है, तो कंपाइल हम किस तरह से कराते हैं, कंपाइल आपको अगर नोट पैड पे कोई कोड लिखते हैं कैसे कंपाइल कराते हैं पता है, कहाँ पे जाके कंपाइल होते हैं, आपने जावा में, सी, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, अगर बाकी लैंग्वेज पढ़ी होंगी वहाँ पे जो नोट पैड के थ्रू करते हैं तो उनको कंपाइल कराने का तरीका देखा होगा कि सीएमडी पे जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेते हैं, तो हमने यहाँ जैसे लिखा सीएमडी, ये हमारे पास सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी, तो जिस जगह जिस लोकेशन पे हमने इसको सेव किया है उस लोकेशन पे हमें मूव करना है, ये हमारी ई ड्राइव में, पहले ड्राइव चेंज कर लेते हैं, ई ड्राइव में पहुंच गए हम, और इसके अंदर फोल्डर है बीपीएससी का, बीपीएससी वाले फोल्डर में हम चले जाते हैं, ठीक है।
अब देखो इसको कंपाइल कैसे कराएंगे। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास दो ही चीजें बनी हैं, एक फोल्डर है ए नाम का जो हमने एमएस डॉस पढ़ा था तब बनाया था, और ये हमारे पास ए वन नाम की एक फाइल बनी हुई है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रही है ना आपको कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। ठीक है, कंपाइल कैसे कराएंगे, पाइथन के कोड को कंपाइल कराने का सिंटैक्स है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथन, फिर हमारे पास हमें यहाँ पे लिखना माइनस के एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के एम। तो जो भी हमारे पास बेसिकली पाइथन का कोड कोई सभी प्रोग्राम है तो उसकी कमांड है हमारे पास पाइथन, फिर माइनस के एम, फिर हमारे पास लिखेंगे पी वाई अंडर स्कोर कंपाइल कंपाइल। ठीक है, पी वाई अंडर स्कोर, पी वाई पाइथन के लिए ही है और कंपाइल हमने कर दिया, फिर फाइल का नाम है हमारा ए वन डॉट पी वाई, ये हमने ले लिया। एंटर करेंगे, अगर कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। अब आप कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोल्डर बना है आपका, क्या नाम है फोल्डर का, एक नया फोल्डर बना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डबल अंडरस्कोर है पाई कैच डबल अंडरस्कोर, ये सिंगल अंडरस्कोर नहीं है, डबल अंडरस्कोर है ये। ठीक है, पी वाई डबल अंडर स्कोर है, और फिर हमारे पास वो डबल अंडर स्कोर पी वाई कैच, फिर डबल अंडर स्कोर बना हुआ। ठीक है, इस फोल्डर में जाएंगे तो हमारे पास एक फाइल बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है कंपाइल्ड पाइथन फाइल, इसका मतलब कंपाइल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे कंपाइलर ने काम किया है, ये पाइथन का कंपाइलर ने काम किया, जो हमने कमांड भी लिखी पी वाई कंपाइल, तो कंपाइल तो लिखी है, इंटरप्रेटर थोड़ी लिखा हमने, तो कंपाइलर काम कर रहा है, और तो कंपाइलर ने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है ए वन, जो हमारी फाइल का नाम था डॉट सी पाइथन, और उसके बाद हाइफन लगा के 38, ये 38 या 310 311 या 39 कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, ये आपके वर्जन का नाम है, जो आप आइडियल में देखते हैं, आइडियल में यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो 3.8 वाला वर्जन है, तो 3.8 है, जिसमें 3.11 है तो 11 आएगा, अगर आपके में 3. आपने यूज किया 14 वाला, लेटेस्ट वाला 14 है तो 14 आ जाएगा, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा आ जाएगा यहाँ पर, तो उससे कोई मतलब नहीं, ये वाली कंपाइल फाइल है। अब इस फाइल को अगर आप एडिट करोगे या ओपन करोगे, देखते हैं हम इस फाइल में है क्या। कंपाइल फाइल में क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड होते हैं ये, तो इसका क्या कोड लिखा हमें समझ में नहीं आएगा, इस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई आ जाएंगी इसमें, ये ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पाइथन में हम कंपाइलर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट कोड बना सकते हैं। अब आपको ये पता होगा, आपको बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जब डिफरेंस पढ़ाया था, कि जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट कोड बनता है या जब हम कंपाइलर यूज करते हैं तो हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं रहती, एक बार आपने कंपाइल करा लिया, अब सोर्स कोड की हमें कोई नीड नहीं है, आप डिलीट भी कर दो हमारा आउटपुट तब भी आएगा, लेकिन इंटरप्रेटर में एवरी टाइम हमें सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितनी भी बार एग्जीक्यूट करोगे सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, तो कंपाइल्ड फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, कंपाइल फाइल बीपीएससी वाले फोल्डर में नहीं है, कंपाइल फाइल अंडर स्कोर पाई कैच वाले फोल्डर में चली गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई कैच वाले फोल्डर में मूव करना पड़ेगा, तो अंडर स्कोर पाई कैच डबल अंडर स्कोर पाई कैच डबल अंडर स्कोर ये लिखा इस फोल्डर में चले गए। कंपाइल करने के लिए अब हमें क्या लिखना, वही जैसे ऊपर लिखा पाइथन लिखेंगे। ठीक है, पाइथन यहीं पे लिखना कि जैसे ऊपर ये कंपाइल वाला कोड है, कंपाइल कैसे करते हैं, ये है एग्जीक्यूशन का कि एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे कमांड लाइन, तो पाइथन लिखा। अब उस फाइल का नाम हम कॉपी कर लेते हैं, क्या है इस फाइल का नाम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं a1.cpython-38, ये वाला हमारे पास नाम है डॉट। ये वाली फाइल का एक्सटेंशन आप देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो इस ये है कंपाइल्ड पाइथन फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है पीवाईसी। ठीक है, पाइथन की जो सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है पीवाई, और जो कंपाइल्ड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन पीवाईसी, तो डॉट पीवाईसी लगाते हैं यहाँ पे।
एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये लिखा गया हेलो फ्रॉम पाइथन। तो इस तरीके से हमारे पास कोड को कंपाइल किया जा सकता है। जो भी हमारे पास पाइथन के कोड होंगे वो कंपाइल ऐसे हो जाएंगे, आप ऐसा ही। अब जो हमारे पास ये सोर्स कोड था, अब हमारे पास देखो जैसे ये सोर्स कोड है, अगर मैंने सोर्स कोड को डिलीट भी मार दिया, क्या इसकी जरूरत है हमें? हमारे पास ये डिलीट कर दिया हमने इस, ठीक है। डिलीट करने के बाद भी आप अगर चलाएंगे पाइथन a1.c पाइथन 38 आउटपुट आपके पास सब भी आ। सोर्स कोड की कंपाइलर को जरूरत क्या पड़ती है, अगर कुछ चेंजेज हो सोर्स कोड में तो कंपाइल कराना पड़ता है, वो दोबारा नहीं तो नहीं। अब हम दोबारा से मान लिया कुछ और करते हैं और देखते हैं, मान लिया हमने कोई गलत कोड लिख दिया तो ये कैसे बताता। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है, और दूसरी लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट हेलो इंडिया, ठीक है, और हेलो इंडिया ये अभी हमने सही कोड लिखा तो चेंज कर रहे हैं, मतलब दो लाइन कर दी और इसका नाम वही a1.py कर दिया, उसी जगह सेव कर दिया मैंने उसी फाइल को। तो अब अभी अगर हम इसको कंपाइल कराएंगे वो रन कराएंगे तो अभी तो हेलो फ्रॉम पाइथन ही आएगा क्योंकि कंपाइल कराना पड़ेगा, चेंज करा दो। ये वाली फाइल हमारे पास पहले cd:// करना पड़ेगा क्योंकि पिछले वाले फोल्डर में bpsc में आर आएंगे bpsc में, ठीक है, और उसके बाद अब इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने का कोड क्या है, पाइथन माइनस एम स्पेस देखे py अंडरस्कोर कंपाइल उसके बाद a1.py। तो कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। फिर फोल्डर चेंज करेंगे हम, cd pycatch में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, उसके बाद रन कराएंगे। रन करा दिया तो अब हमारे पास हेलो फ्रॉम पाइथन हेलो इंडिया ये आ गया, ठीक है। वापिस से cd:// कर देते हैं, वापिस आ गए। इस कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर मान लिया मैंने सिंगल कोट कर दिया, डबल कोट यहाँ लगाया था तो यहाँ भी डबल होना चाहिए था लेकिन मैंने सिंगल कर दिया तो एरर आनी चाहिए अब, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं वापस से। तो कंपाइल कराया हमने तो देखो ये इतनी सारी एरर आ गई। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जितनी लाइन सही है उतने का तो देता, भाई पहली लाइन तो सही है पहले का आउटपुट देता, लेकिन जो हमारे पास कंपाइलर है वो तो पूरे कोड को एक साथ देख रहा है। तो आपके पास जितनी लाइन सही है उससे भी कोई फर्क नहीं, इसने एरर तो दे दी हेलो इंडिया, ठीक है, लेकिन आप कंपाइल ही नहीं होगा तो आप रन ही नहीं करा सकते तब तक। तो कंपाइलर क्योंकि पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोड से वो रिजल्ट देता है। यही वाला कोड अगर आप भाई इस कोड को ले जाते हैं आइडियल पे, आइडियल में यहाँ पे इंटरप्रेटर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने न्यू फाइल ओपन कर ली और न्यू फाइल में यही वाला कोड पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं, आज डेट है हमारी 2/7/23, ठीक है, ये हमने सेव कर, इसको हम यहाँ से रन कराते हैं। तो देखो यहाँ से रन कराया तो एरर दे दी हमारे पास। अब भाई इंटरप्रेटर है हमारे पास तो इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन काम करता है, ये क्यों, इससे हमें सिंटैक्स एरर भी आ रही, इससे हमें पता चल रहा है इंटरनली कंपाइलर भी काम कर रहा है, ठीक है, तभी तो दे रहा, नहीं तो पहली लाइन एग्जीक्यूट कर देता दूसरी में। तो इंटरनली कंपाइलर भी काम कर रहा है इसमें। तो पाइथन में ऐसा नहीं है कि केवल इंटरप्रेटर ही काम करता है, कंपाइलर भी करता है इंटरनली। सिंटैक्स एरर कोड में इसके भी आती है, ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पे ही आती है भाई, रन टाइम पे। अब अगर आप भाई देखो इंटरप्रेटर और इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा, वो इंटरप्रेटर जो एरर देगा वो यहाँ पर नहीं देगा, वो आपकी इंटरेक्टिव मोड में देगा। कैसे, अगर मान लिया मैं यहाँ पे इस कोड में चेंजेज करता हूँ कि मैंने लिखा a int, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने int में कि इनपुट लगा दिया एक और इनपुट में लिख दिया एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, बी इक्वल टू यहाँ पे भी लिख दिया इंट और इनपुट
इसमें भी कर दिया एंटर ये दो लाइन हमने यहाँ पे लिखी, इनको सेव कर दिया मैंने। अब इन दो लाइनों को हम रन करा रहे हैं, इन नंबर को हम प्रिंट भी करा रहे हैं साथ के साथ कि वो प्रिंट भी कर दे ए की वैल्यू क्या है हमने इनपुट करी और दूसरे वाले में हमने बी की वैल्यू क्या प्रिंट की। इस कोड में कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है तो हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारे पास रन हो जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं रन में और इसको रन मोड, तो रन हो गया, यहाँ पे आ गया, लिखा आया एंटर ए नंबर, हमने नंबर एंटर कर दिया है यहाँ पे 5, तो ये दे देगा 5 आउटपुट भी दे दिया, चल गया प्रोग्राम। अब तीसरी लाइन पे आ गया एंटर ए नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया वाई, लिखा एरर आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर आई, ये एरर किसने दी, ये एरर इंटरप्रेटर ने दी, ठीक है, वैल्यू एरर जो आई। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन देख रहा था, पहली लाइन सही थी उसने इनपुट ले लिया, दूसरी लाइन सही थी प्रिंट कर दिया, तीसरी लाइन सही थी इनपुट ले लिया, लेकिन जो आपने इनपुट दिया तीसरी लाइन में वो हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया है, ये इंट है, वाई को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो जब कन्वर्ट नहीं कर पाया फिर उसको वहां पे एरर मिल गई, तो वहीं रुक गया, उसके आगे नहीं चला, ठीक है। उसके आगे भी चलाना आपको तो फिर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर लो, भाई जिस लाइन में एरर है केवल वो ही नहीं चलेगी, ऊपर की भी चलेंगी नीचे की भी चलेंगी, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, जहां तक सही है, क्या क्या पूछ रहे हो भाई, इंटरप्रेटर में क्या होता है, जहां तक सही है वहां तक चलता है, जहां भी गलती आ गई वहीं रुक गया, उसके नीचे के भी चाहे सही हो वो भी नहीं चलेंगे फिर। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम यूज करते हैं उससे ये फायदा है, केवल जिस लाइन में गलती केवल वही लाइन रुकती है, उसके ऊपर की भी चलती है उसके नीचे के भी चलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथन का कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरह से हम कंपाइलर यूज करते हैं और कहाँ पे वो हिडन वर्क कर रहा है कंपाइलर। अब आते हैं आगे क्वेश्चन समझते हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 140 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन है 141 नंबर का, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल हैज ट्रू ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू कौन से लिटरल की ट्रू है, ये हमें यहाँ पे बताना है। और पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ है 0.00001, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, बट ट्रूथ वैल्यू दो ही होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है, केवल दो ट्रूथ वैल्यू। तो क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी ट्रू। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है, देखो फॉल्स ट्रूथ वैल्यू या तो फॉल्स की ही होती है, फॉल्स लिखा वो फॉल्स है, या जीरो की या 0.0 की, भाई जो जीरो है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जीरो को छोड़ के सब क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। अपने आप में फॉल्स ही फॉल्स है या फिर जीरो, न्यूमेरिक में जीरो फॉल्स होता है, ठीक है, इंटीजर में जीरो, फ्लोट में 0.0। ये दूसरा लिखा हुआ है नन, नन की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, नन हमारे पास ट्रू होगा या हमारे पास फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ट्रू हमारे पास कीवर्ड है यहाँ पे या लिटरल है, ये बताओ ये कीवर्ड है या लिटरल है, ट्रू लिटरल है, ये सिंगल कोट में ये स्ट्रिंग बन गया, ये अब कीवर्ड नहीं है, और स्ट्रिंग की वैल्यू है इसकी तो कुछ ना कुछ, तो ये भी ट्रूथ वैल्यू देगा, ट्रू ही रहेगा। जीरो है, ये जीरो क्या है, जीरो तो फॉल्स जाएगा, तो ए और बी का यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया, सी वाला नहीं होगा, ये हमारे पास नहीं होगा। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, डी में क्या लिखा हुआ है, ये आ जाते हैं डी में, डी वाले ऑप्शन में हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और लेकिन वो एम्प्टी लिस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स देगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी सर, होगी हमारे पास फॉल्स,
और फॉल्स की क्या होती है, फॉल्स ही होती है, क्या होगी ट्रू होगी, एक वाला आंसर किया हमारा है, ठीक है। और वन की क्या होगी, वन भी ट्रू होगा, ठीक है। 33 क्या है, ये भी नॉन जीरो है तो ये भी ट्रू होगा, होगा। नन क्या है, नॉन फॉल्स हो जाएगा। और नन जो है कीवर्ड है सर, किसको रिप्रेजेंट कीवर्ड है, हां एब्सेंस ऑफ वैल्यू को करता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, और ये तो जीरो जीरो है, ये भी फॉल्स होगा। तो इसके आंसर हमारे पास ए वाला सही था, बी वाला सही था, एफ वाला भी सही है, जी वाला भी सही है, एच वाला भी सही है, ये हमारे पास आंसर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट एच, इस कोड का हमें रिजल्ट बताना है, क्या रिजल्ट होगा। यहाँ पे इंपोर्ट किया है हमने एक मॉड्यूल जिसका नाम है मैथ, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने का मतलब मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं उसके। एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 100 वैल्यू दी हुई है, और प्रिंट में लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स क्या ग्रेटर देन है जीरो के, बताओ है, तो है कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड जो है, ये एंड हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, क्या है ऑपरेटर है। फिर यहाँ पे दिया मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी में एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर रूट निकालना, तो एक्स की वैल्यू कितनी 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, और एसक्यूआरटी फ्लोट में रिजल्ट देता है, एसक्यूआरटी रिजल्ट फ्लोट में देता है, तो 10.0 होगा। तो अब हमारे पास ये इस तरह से बन गया, एक तरफ होगी हमारे पास ट्रू वैल्यू, और एक तरफ हमारे पास यहाँ के एंड की होगी 10.0 होगी। तो देखो जो हमारे पास एंड है, एंड कैसे काम करता है, एंड काम ऐसे करता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे ए एंड बी लिखा जाए तो ये कैसे काम करता है, ये हमें समझना। तो अगर हमारे पास दोनों नॉन जीरो हैं, ए भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो, उसके केस में देखो एंड आपने पढ़ा होगा, वो गेट पढ़ते हैं एंड गेट, एंड गेट में दोनों वन होते हैं, दोनों वन का मतलब दोनों नॉन जीरो है, ठीक है, यानी दोनों ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वन आता है, अदरवाइज क्या आता है जीरो। भाई ये आपने एंड गेट पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए और बी होता है, और ए इंटू बी अगर हम कर दें तो जीरो जीरो पे क्या देता है जीरो, जीरो वन पे क्या देता है जीरो, वन जीरो पे भी जीरो, वन वन पे वन देता है, ठीक है। ये तो अगर एक भी जीरो रिजल्ट तो हमारे पास जीरो ही रहेगा, ठीक है, एक भी जीरो आने पे। तो पहला केस तो ये है कि अगर ए और बी में से कोई भी जीरो है, इफ ए और बी जीरो है, इनमें से कोई भी, एनी ऑफ वन जीरो, ए और बी एनी इज जीरो, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास जीरो ही आएगा। अगर नॉन जीरो है कोई, दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट वाला रिजल्ट देगा जो लास्ट वाला है, यानी बी होगा, एल्स में रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, बी रिजल्ट होगा, ठीक है। यानी एंड वाले में भाई बी क्यों होगा, ये नॉन जीरो है तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसने बताया कि ये रिजल्ट अब हमारे पास एंड वाला सही हो गया, भाई दोनों नॉन जीरो हो गए तो इसी को रिजल्ट में वो दे देता। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी नॉन जीरो आ गया था, ये भी ट्रू हो गया था, और ये भी ट्रू हो गया था 10.0, तो रिजल्ट कौन सा आएगा, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, दोनों नॉन जीरो, तो रिजल्ट 10.0 हो जाएगा। तो में क्या होता है, और वगैरह अगर हम यूज करते हैं, और में अगर दोनों जीरो है तो ही जीरो आएगा, अगर एक भी नॉन जीरो है तो पहले वाला, अगर नॉन जीरो तो पहला जाएगा, ठीक है, पहले वाला अगर नॉन जीरो तो पहला जाएगा, अगर पहले जीरो हो गया दूसरा नॉन जीरो तो दूसरा जाएगा, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं एंड और कैसे काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको वहां से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं,
देखो अगर हमने यहाँ पे लिखा एक लिखा पहले तो यही देखते हैं x ग्रेटर देन जीरो x की वैल्यू ले लेते हैं या x की वैल्यू यहाँ पे जैसे 100 थी 100 ग्रेटर देन जीरो लिखा क्या रिजल्ट आएगा इसका बताओ इसका रिजल्ट ट्रू हो गया ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ हमारे पास ये लिखना 5 and 7 क्या आएगा सेवन लास्ट वाला दोनों नॉन जीरो तो लास्ट वाला रिजल्ट 7 आ गया अगर 5 and 0 कर दिया 5 and 0 तो क्या आएगा एक भी जीरो होते ठीक है और 0 and 5 कर दिया दो भी जीरो ठीक है 0 and 0 कर दिया एक भी जीरो हो गया तो जीरो अगर दोनों नॉन जीरो तो लास्ट वाला एंड में कभी भी पहले वाला रिजल्ट नहीं आएगा जीरो तब आ रहा पहले वाला अगर जीरो है बस ठीक है अदरवाइज हमारे पास दूसरे वाला ही रिजल्ट बना अब और का अगर हम इसी केस देखें तो अगर जीरो और जीरो है तो दोनों ही अगर जीरो हैं तो जीरो देता है अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो आ गया तो जो नॉन जीरो अगर पहला ही है तो पहला नहीं तो दूसरा जैसे हमने लिखा 5 और 0 तो क्या आएगा आंसर 5 ठीक है भाई पहला वो हो गया और 0 और 5 कर दिया तो क्या या 0 और 5 कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा अभी 5 ही आएगा ठीक है भी नॉन जीरो अब 5 और 7 कर दिया तो क्या आएगा बताओ 5 ही आएगा भाई पहले वाला ही नॉन जीरो मिलेगा दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है एक भी नॉन जीरो होते ही वो ट्रू बना देता है उसको ठीक है तो इस तरह से ये काम करता है ये हमारे पास और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर हाँ अगर पहले वाली ट्रू हो जाती है तो पहले वाली को ही दे देता है वो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं उसको ठीक है 143 पे आते हैं एंड में भाई दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी हमारे पास आता है एक भी जीरो तो जीरो दोनों नॉन जीरो है तो लास्ट वाला इस वाले को चार अंक की आवाज तब तक क्या एंड में चार अंक की आवाज तब क्या पाउंड था चार एंड थ्री मतलब फोर एंड फोर एंड थ्री आता तब तो क्या और देता था चार की तीन चार एंड थ्री रहती लास्ट वाला थ्री अच्छा 4 and 3 रहता है ये कह रहे हो 4 and 3 रहता तो लास्ट वाला देता ना 3 दोनों नॉन जीरो तो लास्ट वाला देता ठीक है 3 आ जाएगा 4 and 3 and 5 हाँ तो अगर मल्टीपल तो फिर प्रीसीडेंस लगाएंगे और एसोसिएटिविटी प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है भाई तो आप यहाँ पर इस तरह से लगा लो कि भाई हमारे पास ये लगाया आपने पहले लिखा 5 लिखा एंड 4 और एंड 3 ये लिख दिया तो सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास 3 है तो शुरू में चलता हुआ जाएगा ऐसे ही लेफ्ट टू राइट हमारे पास ही तो सारे प्रीसीडेंस सेम है एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है तो 5 4 3 तो जो भी सबसे लास्ट में आएगा वो उससे ही तो पता चला हमारे पास लास्ट वाले से कि वो ट्रू है सब वन बाई वन चेक करते हुए ठीक है तो और में सबसे पहले जो भी सबसे पहले नॉन जीरो मिल गया वो वाला आंसर आ जाएगा एंड में सबसे लास्ट वाला ही आता है ठीक है अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया 5 and 4 और 3 क्या रिजल्ट आएगा इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा क्यों आ जाएगा 4 भाई 5 and 4 में से क्या आएगा 4 आएगा ठीक है इसमें आ जाएगा 4 अब 4 और 3 को करेंगे तो 4 और 3 में पहले वाला ही सही है तो 4 आ जाएगा ठीक है अब इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं 5 और 4 and 3 तो अब क्या रिजल्ट आएगा क्या हो गया यहाँ पे ठीक है और फिर 5 और 3 को करा
तो क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। एंड नोट भी अगर लगाना तो नोट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने नोट 5, 4, 4 and 3। ठीक है, पहले नोट की होती है तो नोट सबसे पहले ही काम करेगा, तो ये जीरो कर दिया इसने पहले ही। ठीक है, तो नोट हमारे पास जीरो हो गया, जीरो और इधर वाला 3 रह गया, तो 3 हमारे पास रिजल्ट आ गया। प्रीसीडेंस पहले नोट, फिर एंड और फिर और, ऐसे है इनके प्रीसीडेंस। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से जीरो कैसे, नोट वाला जीरो कैसे किया, क्या दिया? देखो इस तरीके से होगा हमारे पास, ये जैसे ये लिखा हुआ है नोट 5, 4, 4 and 3। ठीक है, तो अगर इनकी प्रीसीडेंस देखी जाए तो सबसे पहले हमारे पास नोट की होती है, उसके बाद एंड है, उसके बाद हमारे पास और है। इस प्रीसीडेंस पे काम कर रहे हैं, इस प्रीसीडेंस पे पहले नोट जो है सिंगल पे ही काम करता है, तो नोट 5 करा इसमें, नोट क्या करता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है, ये 5 लिखा हुआ है तो 5 को अगर कन्वर्ट करेंगे नोट करेंगे तो क्या होगा, नोट 5 करा तो उसको कन्वर्ट कर देगा ये फॉल्स में, फॉल्स मतलब जीरो में कन्वर्ट कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स हो गया, और 4 and 3 ये बच गया हमारे पास, तो अब एंड वाला चलेगा, 4 and 3 का क्या बनेगा, 4 and इसको समझ लो फॉल्स को समझ लो जीरो है ये हमारे पास, तो 4 and 3 क्या क्या हो गया हमारे पास, 3 का 0 और 3 का 4, तो 3 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह। किसका माइक्रोफोन चल रहा है भैया, बंद कर लो, इतनी पीछे से क्या आवाज आ रही है। ठीक है, तो एक एक स्टेप पे आप देख सकते हो, जैसे नोट 5 हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाता है, नोट में एक सिंगल वैल्यू रखनी पड़ती है हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट में करोगे तो हमारे पास उस तरह से आएगा जैसे अभी बताया था, अगर हमने ब्रैकेट में कर दिया 5 और 4। ठीक है, और फिर कर दिया हमने एंड 3 कर दिया, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर इसका रिजल्ट हो गया 3, 5 और 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 5 को करेंगे नोट तो हमारे पास फॉल्स बन जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स। तो ब्रैकेट का सबसे ज्यादा प्रीसीडेंस ब्रैकेट हमारे पास पहले लगेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑपरेटर एंड और नॉट वाले काम करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड और नॉट ये तीन, ब्रैकेट वाला क्या बताया एक बार दोबारा बता दीजिए, ब्रैकेट में लगे हुए तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट वाला उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, उसकी वैल्यू 5 आ रही थी, तो नॉट 5 बचा, नॉट 5 मतलब फॉल्स हो गया, 5 नॉन जीरो है। ठीक है, अब 143 नंबर क्वेश्चन है, 143 नंबर को देखो, इसमें कहा टू इंक्रीज द वैल्यू, हां बोलो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में किसकी प्रेसिडेंस अधिक, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, तो जो हमारे पास असाइनमेंट है उनकी सबसे लो होती है, असाइनमेंट सबसे बाद में करते हैं। ठीक है भाई, इक्वल टू होते हैं ना असाइनमेंट, वो तो सबसे बाद में करे जाएंगे। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इंक्रीज करनी है, वैल्यू बढ़ानी है, किसकी वैल्यू बढ़ानी है, एक्स की, कितनी बढ़ानी, 5 times यूजिंग एन ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। एक नॉर्मल असाइनमेंट होता है, एक ऑग्यूमेंटेड, ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट बोलो या इन प्लेस असाइनमेंट बोलो, असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल इक्वल टू लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हम यूज कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पास ऑग्यूमेंटेड या इन प्लेस ऑपरेटर, इन प्लेस या ऑग्यूमेंटेड, या हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की ही एक कैटेगरी होती है कि अर्थमेटिक असाइनमेंट वगैरह हम बोल देते हैं, तो इसमें अर्थमेटिक असाइनमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको इसमें क्या होता है, जैसे प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, इस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें इसने कहा कि एक्स की वैल्यू 5 times हमें इंक्रीज करनी, तो कौन सा यूज करेंगे बताओ, क्या आंसर नहीं आएगा सर, है ऑप्शन ए आएगा सर, x प्लस इक्वल टू 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आएगा,
हमारे पास टू है तो एक्स प्लस फाइव का इक्वल टू फाइव का मतलब है कि x की वैल्यू में फाइव ऐड कर दो, तो ये क्या करेगा प्लस फाइव यानी सेवन, ये तो इंक्रीमेंट कर रहा, पांच जोड़ रहा, उसने पांच गुना कर दो कहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है x इंटू फाइव, तब हमारे पास 10 निकल के आएगी, 5 टाइम्स आएगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगा। 144 नंबर में सर, हाँ जैसे ये सर आर्गुमेंटेड ये असाइनमेंट है, हाँ। तो इस प्रकार के असाइनमेंट में भी प्रेसिडेंस लास्ट होगा इसका, हाँ इसका भी लास्ट नहीं होगा, ये तो इक्वल टू ये बस जो हमारे मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो इस्तेमाल हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन जो असाइनमेंट के वो उसकी अर्थमेटिक की प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी होती है वो देखेंगे, ठीक है, जो अर्थमेटिक की मतलब प्रेसिडेंस है उसमें एक्सपोनेंशियल सबसे पहले है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और हमारे पास ये होते हैं वो रिमाइंडर ऑपरेटर, फिर बाद में प्लस और माइनस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो ये 146 क्वेश्चन था ना, ये बुक में ना ऐसे दिया हुआ कि कौन से ऑपरेटर की हाई लोएस्ट प्रेसिडेंस है, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन चेंज कर रखा है सर, ऑप्शन सेम है बट बुक में ये लिखा हुआ है कि कोलन ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, तो लोएस्ट कर दो या वो कर दो, वो तो ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं, कोई इतने सारे ऑपरेटर कोई सा भी ऑपरेटर दे दिया जाए उसमें, उनमें से आपको बतानी, इसकी पूरी टेबल है, वो टेबल आप समझ लो, टेबल मतलब ये ऑपरेटर के कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में से देख सकते हैं। वाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, 10 है हमारे पास और 0 लिखा हुआ है, 10 और 0 है, क्या इसका आउटपुट होगा, और ऑपरेटर हम यूज करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 और 10, 5 हाँ बोलो, तो टेबल जो है ना सारे लैंग्वेज के लिए सेम ही होते हैं कि कुछ चेंजिंग में रहते हैं, सी सी प्लस सी प्लस जावा जो उनमें है वही है, इनमें भी कोई अलग नहीं है, वही सब में सेम ही होते हैं, हाँ वही प्रेसिडेंस भी वही है, ठीक है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन सारे सबके सारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 एंड 10, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 15 एंड 10, तो इसका भी 10 हो जाएगा, सी वाला आंसर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये कैसे होगा, क्या दिया, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हाँ क्या लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को पहले तो इसमें लिखा हुआ है ए और फिर सिंगल कोट है उसमें स्पेस दिया हुआ है हमारे पास, अब और में क्या होता है पहले ही नॉन जीरो हो जाए तो वही रिजल्ट हो जाता है, तो ये नॉन जीरो तो यही हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब दूसरे वाले में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंड दिया हुआ है, तो एंड में क्या होता है एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, तो एम्प्टी एक भी एम्प्टी तो एम्प्टी, हाँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद 150 पे आते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन x एंड a, क्या होगा a आ जाएगा सर, a लास्ट वाला हो जाएगा एंड वाला, a एंड x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया एक्सप्रेशन है नन एंड a, नन सिंगल लिखा हुआ a हो जाएगा, अब इसके अंदर दिया हुआ है फॉल्स एंड फॉल्स, क्या होगा फॉल्स होगा सर,
ठीक है ये वाला स्मॉल वाले में भी हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है ठीक है ये वाला हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल कोट में लिखा हुआ है, अगर प्रिंट में होता तो बात अलग है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं 155 पे, इन्हें पाइथन प्रोग्राम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है। अच्छा ये वाले हमारे ऑपरेटर वाले सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद जो है ये इफ एल्स वाले क्वेश्चन से आगे, इफ एल्स किस तरह से काम करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो अगर हम प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्राम हमारे पास एक होते हैं सिक्वेंसल, जो हम डायरेक्ट लिखते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, वो सिक्वेंस में काम करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं कि वो किस तरह की स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सिक्वेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कंडीशनल, तो कंडीशनल में हमारे पास होते हैं जैसे इफ एल्स वगैरह ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो हर लाइन नहीं होती है एग्जीक्यूट, इसमें वन बाय वन कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर इसमें कुछ जंप स्टेटमेंट होते हैं, जंप में जैसे गो टू हो गया हमारे पास, या हमारे पास वो गो टू इसमें तो हम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू की बात करेंगे हम, तो ब्रेक और कंटिन्यू हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव में हमारे पास लूप आ जाते हैं, इटरेटिव और रिपीटेशन का काम करते हैं वे, उसमें लूप के थ्रू काम करते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। पाइथन में लूप के साथ भी हम एल्स वगैरह यूज कर सकते हैं ठीक है, फॉर लूप के साथ भी एल्स यूज हो जाता है, व्हाइल लूप के साथ भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये सब जो है स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दिया है 155, इसमें कहा इन ए पाइथन प्रोग्राम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, यानी ये बताती है कि किस डायरेक्शन में या किस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे हमारे पास स्टेटमेंट, वो बताते हैं हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सही बात है, वही बताते हैं भाई ऑर्डर हमारे पास पहले कंट्रोल भी बोलते हैं। हाँ फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो हमारे पास सारा ही होगा, चाहे सिक्वेंसल हो या हमारे पास कंडीशनल हो, तो सभी में फ्लो ऑफ कंट्रोल है कि किस तरह से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, या रिपीटेटिव होगा किस तरह से होगा। तो पहले वाला ऑप्शन तो इसका सही बात होता है, उसी तरह से कंट्रोलिंग करता है वो। फिर बी वाले में कहा डिटेक्ट व्हाट हैपन बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट एंड आफ्टर द टर्मिनल, यानी ये पता करता है कि क्या होगा प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद। तो ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है, इफ एल्स का उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। डिफाइन प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर ये भी नहीं, मैनेज द इनपुट आउटपुट ये भी। तो आंसर इसका हमारे पास क्या होना है, ए वाला ही होना है ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये पता चलता है कि किस ऑर्डर में हमारे पास कैसे काम करेगा, कौन कौन से स्टेटमेंट किस तरीके से होंगे इफ एल्स के अकॉर्डिंग, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है कौन सा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर, एम्प्टी या नल स्टेटमेंट इन पाइथन। जो एम्प्टी या नल स्टेटमेंट होता है पाइथन में, उसको क्या किस चीज से डिनोट करते हैं हम, एम्प्टी या नल पास कीवर्ड लिखते हैं सर, पास कीवर्ड होता है, पास कीवर्ड से हम लूप वगैरह में यूज करते हैं, अगर हमें एम्प्टी लूप बनाना हो तो हम पास कीवर्ड से यूज करते हैं। 157 में कहा है the order of statement execution in the form to top to bottom is known as, top to bottom पे हो रहे हैं यानी one by one top to bottom execution हो रहा, क्या बोलेंगे वो sequential statement कहलाते हैं, यानी C हो जाएगा। 158 में the construct allow to choose स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, तो ऐसे क्या बोलेंगे बताओ, कंडीशन के बेस पे पता चलना कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा। तो कंडीशनल सिलेक्शन या सिलेक्शन, कंडीशनल या सिलेक्शन बोलेंगे।
159 है, इसमें कहा है द कंस्ट्रक्ट रिपीट्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो रिपीट हो रहा तो क्या होगा, वो रिपीटेशन हो जाएगा, यानी फॉर लूप की बात हो रही, रिपीटेशन हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक ए सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, इसमें हम सिलेक्शन के लिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं, सिलेक्शन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कौन कौन से होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक, अच्छा ये हो गया 161, which of the following statement will make a repetition construct, repetition किससे होता है, और while, इन दोनों से repetition करते हैं, while making, while in python which of the following will create block in compound statement, block किससे बनता है, block बनाएगा सकते हैं, इंडेंटेशन से होते हैं, block बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कोलन का साइन लगाते हैं सर, कोलन के साइन इंडेंट भी तो लगाते हैं, कोलन इंडेंट नहीं लगाते, खाली कोलन लगाते हैं भाई, कोलन लगाएंगे तभी इंडेंटेशन स्टार्ट होता है सर, कोलन लगाते हैं तभी इंडेंटेशन होता है, वो तो बात है, तो इंडेंटेशन भी तो हमें देना पड़ता है, ठीक है, अगर हमें बेसिकली वो करना है, ये ब्लॉक देना है, तो ब्लॉक का, ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो उससे पहले वाले पे हमें क्या करना होता है, कोलन लगाना पड़ता है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट ब्लॉक इन द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में ब्लॉक बनाना, तो ब्लॉक को कैसे लिखेंगे, ब्लॉक को इंडेंट करके लिखेंगे उसके लोअर पे सेम, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, क्या एग्जाम्पल एग्जाम्पल फॉर लूप या इफ एल्स को करते हैं, इफ के अंदर कुछ चीजें लिखनी तो वो कहाँ पे, जैसे यही है ये देखो इसमें, तो ये हमारे पास इफ का ब्लॉक क्या है, ये वाला इंडेंट करके लिख दिया, आगे करके लिख दिया, ठीक है, ऐसे ये इफ का ब्लॉक हो गया, ये एल्स का ब्लॉक हो गया, तो इस तरह से ब्लॉक को क्या करा हमने, आगे लिखा, इस लेवल से आगे हम यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, सेम लेवल का मतलब क्या है कि इंडेंट हमने इस वाले लेवल से दिया है, ठीक है, इस वाले लेवल से हमने इंडेंट किया है, तो उसको बोलते हैं, तो इंडेंट से ब्लॉक बनता है इंडेंट देने से, और जो हमारे पास उससे पहली वाली लाइन है उनमें सब में हमें क्या करना पड़ता है, कोलन लगाना पड़ता है, इसके बाद ये तो इंडेंटेशन इन एनी फॉर्म नहीं होता, एनी फॉर्म का मतलब तो आप इंडेंटेशन कितने भी अंदर करते चले जाओ, वो ब्लॉक उसी में देना, ना कर्ली ब्रेसेस, सी लैंग्वेज में यूज करते हैं हम, सी सी प्लस प्लस वगैरह में, यहाँ पे आते हैं 163 पर, तो व्हाट सिग्निफाई द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक और सॉर्ट इन ए पाइथन, ठीक है, जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एंड कौन डिनोट करता है हमारे पास, कि ब्लॉक जो है हमारे पास एंड हो गया, खत्म हो गया, तो कमेंट से पता चलता है या जो है कर्ली ब्रैकेट से या एंड से, लाइन दैट इज इंटेंडेड, लाइन दैट इज गोइंग टू लेस देन प्रीवियस लाइन, बात ही ऑप्शन होना चाहिए, बात किस आ जाते हैं उसमें, तो इंडेंट हमारे पास ब्लॉक जो है खत्म हो जाता है। 164 पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, इनमें से कौन सा पहले वाला बताओ एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें 1,2 लिखा और फिर प्रिंट फू लिखा है, ठीक है, दूसरे में इसमें 1,2 फिर प्रिंट फू, इसमें 1,2 कोलन और प्रिंट फू लिखा है, फिर इफ 1 प्रिंट फू ऐसे लिखा है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, अच्छा इस वाले में देखो हमारे पास कोलन नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोलन नहीं दिया हुआ तो इसलिए गलत है, इंडेंट तो दे रखा है लेकिन कोलन नहीं है, ठीक है, इस वाले में कोलन दिया है इंडेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए भी ये गलत है, इसमें इंडेंट भी है यहाँ पर और कोलन भी दे रखा है, ये वाला डी वाला आंसर सही है,
यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर उनमें से सेलेक्ट हो जाती है, ये भी हो जाता है। देखो किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन चीजों को। सी वाले क्यों गलत हुआ सर? सी वाले में गलत ये हुआ कि इंडेंट नहीं दिया हुआ इसमें, इंडेंटेशन मिसिंग है, वो उसी तरह से नॉर्मल लिखा हुआ है। देखो जैसे हमारे पास ये है, इफ लगाया हमने यहाँ पे, इफ में 1,2 किया, ठीक है, और यहाँ पे इंडेंट करके हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लिया प्रिंट में हेलो लिख दिया, ये इसको सेव कर दिया और रन कर दिया, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? हेलो आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाता है। सिंगल लिखोगे आप, सिंगल लिख दो। इन चीजों में आप ये भी देखो, अगर मान लिया यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, मैंने 0,2 कर दी, अब इसको रन कराया हमने, अब भी रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? रिजल्ट हमारे पास हेलो आ रहा। अगर मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी? 0 कर दी। भाई कंडीशन है हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू पे वो कर रही है, अब हम इसको रन कराएंगे तो भी हमारे पास हेलो ही आएंगे, ठीक है। इफ के अंदर अगर ये कंडीशन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रही, दिख रहा है सर, दिख रहा है, हेलो हेलो दिख रहा है और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नोट पैड वाला नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, अभी दिख रहा था। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आप कितनी भी वैल्यू दे दो, ये एक टपल की तरह से हमने यहाँ पे बना लिया, तो आप कितनी भी वैल्यू दे दो वो हमारे पास ले लेगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट दे। अगर हमने एक सिंगल वैल्यू दी हुई है, ऐसे सिंगल वैल्यू दी हुई है, अब हम रन कर रहे, अब हमारे पास कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि वो 0 है, फॉल्स होगी। अगर एक से ज्यादा वैल्यू दे दी तो वो एक तरह से टपल की फॉर्म में बन गया था, कोमा, और टपल जो है एम्प्टी नहीं था, वैल्यू थी उसमें। तो अगर कोमा लगा के एक से ज्यादा वैल्यू दोगे, चाहे कुछ भी वैल्यू दो हमारे पास, तो वो हमारे पास ट्रू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे 0,0 कर दो, 0,1, 0,2 जो भी करना आपको, या नॉन 0,0 जैसे भी आप करना चाहते हैं उस तरह से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करते हैं। आंसर हमारे पास ए वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। के अंदर जो है हमारे पास देखो, नॉर्मल ब्रैकेट लगा के आपने लिख रखा बिना कोमा लगे, तो वो तो वैल्यू है एक सिंगल वैल्यू, कोमा लगते ही तब हमारे पास टपल होता ना, कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है टपल में। इस वाले को देखो वहां पे, ये है हमारे पास, हाँ, अगर आपने 0,0 लगा दिया तो वो टपल ही बन गया, ठीक है भाई। आप ये है, हाँ तो बताया तो कोमा सेपरेटेड करते ही टपल बन जाता है, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया 0,0 लगा दिया, दिख रहा है ना, ठीक है। अब 0,0 लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास? ये टपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हेलो आ गया बस, ठीक है भाई। अगर आप नॉर्मल a इक्वल टू 5 लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका टाइप देखोगे आप तो इसका टाइप हमारे पास इंटीजर रहेगा, ठीक है। अगर a इक्वल टू 5 ब्रैकेट में लिख दिया तो भी इसका टाइप देखोगे तो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाने से टपल नहीं बन जाता। लेकिन a इक्वल टू ब्रैकेट में हमने 5,0 लगा दिया, ठीक है, अब कोमा लगने से ये जो है टपल बन गया है हमारे, अब ए का टाइप देखोगे तो टपल हो गया। आप ब्रैकेट ना भी लगाओ, आप केवल 5,0 ही लिख दो तो भी ये टपल रहेगा, अब इसका टाइप देखोगे तो भी हमारे पास टपल है, कोमा लगते चाहे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू टपल हो जाती है। हम कंडीशन केवल ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू है तो हमारा प्रिंट होगा हेलो, और वैल्यू नहीं है तो हमारा नहीं होगा, है ना। वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो। अगर नॉर्मल इंटीजर एक सिंगल वैल्यू दी हुई है तो वो नॉन जीरो वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास, इस वाले कोड का आउटपुट बताना आपको क्या होगा। यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है फ्लोट में दिया हुआ है इनपुट, ठीक है, इसमें कुछ आगे ऊपर भी लिखा होगा, If the user input 2, user ने दो इनपुट करा फिर एंटर कर दिया है,
ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2.0 हो गई है। ठीक है, अब इसने करा x equal to 1 print yes, greater than 2 print maybe else print no, क्या इसका आउटपुट आएगा ये बताना, क्या आएगा आउटपुट, आएगा ना 2.0 ही तो है वहाँ पर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू भी लिखा हुआ था, रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशनल वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आगे के क्वेश्चन, अच्छा 166 से 170 तक के एक जैसे, तो बाकी क्वेश्चन फिर चलो कल करते हैं, इससे रिलेटेड ही है ये सारे क्वेश्चन, उसमें इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कंडीशनल और ऑपरेटर, ऑपरेटर वाली जो वीडियो डाली हुई है सब रिवीजन कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी ऑपरेटर उसमें सारी चीजें पढ़ाई हुई है सब। ठीक है, तो बाकी फिर कौन सी वीडियो में सर ऑपरेटर बताइएगा, लिखी हुई है, वीडियो के नाम लिखे हुए हैं उसमें, देख लेना आप कौन कौन सी वीडियो है। ठीक है, कोर्स में वॉल्यूम 2 में नहीं, जो आपकी कोर्स है पाइथन की।